So, hey, this is me, Sharon Ragi, and before any kind of delay, let's get started the topic. So, if we talk about the animal kingdom, तो एनिमल्स की अगर हम बात करें लेट वी टॉक अबाउट द किंगडम एनिमल या एनिमल्स के बारे में हम बात करते हैं तो मोस्टली जो मतलब कि क्या है मेजोरिटी के लगभग सारे हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं मतलब कि द एनिमल्स विच आर डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल तो अपने जीवन यापन के लिए वे दूसरे क्या नाम है उस पर निर्भर करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी हो सकता है यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेल और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होती है इनकी मल्टीसेलुलर होते हैं और उनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं पाई जाती ठीक है जी उनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल नहीं पाई जाती ठीक है जी तो वही है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं हम भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं तो अपने फूड के लिए अपने सर्वाइवल के लिए दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स ठीक है जी तो अरे लाइट चली गई तो अपना जो फूड है वो एक कैविटी के अंदर क्या नाम है डाइजेस्ट करते हैं यानी कि क्या नाम है जैसे कि पेट वगैरह उसकी गट है जो अंदर की कैविटी होगी अंदर का जो एरिया हो गया ठीक है उसके अंदर क्या नाम है क्या होता है उनका फूड जो है वो रिजर्व रहता है और बाद में जब क्या नाम है जो डाइजेशन हो जाता है तो उसको ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है यानी कि वो माउथ के द्वारा खाना खाते हैं इंजेक्शन करते हैं मतलब कि निगलते हैं ठीक है जी तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया होलोजोइक हो गया जो ग्रोथ का पैटर्न होता है वो एक डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न होता है मतलब कि पहले छोटे होंगे फिर मतलब कि बड़े होंगे उनका शेप और साइज जो है उसका क्या नाम है अडल्ट का और जो छोटे बच्चे हैं इन्फेंट तो उनका एक पैटर्न होता है ग्रो करने का जो हायर फॉर्म होती है उनके पास सेंसेस और क्या नाम है न्यूरोमोटर्स मैकेनिज्म होते हैं मतलब कि दिमाग वगैरह उनके पास होता है और सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके पास सभी मतलब मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करने के काबिल होते हैं एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड द फीमेल फॉलोड बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल की मतलब की मेटिंग होती है और उसके बाद जो क्या नाम है जो भ्रूण जो है जो बेबी का प्रोडक्शन वो इनसाइड या आउटसाइड वो जैसे भी हो सकता है तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है इनके अंदर तो ये एनिमल्स के कुछ थोड़े बहुत करेक्टर्स थे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड फिर मिलते हैं टिल देन कीप स्माइलिंग एंड अपडेट योर नॉलेज रेगुलरली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस